दोस्तों बार बार मुझसे एक चीज पूछी जाती है, हमेशा ये चीज पूछी जाती है और अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फेसबुक पेजेस पे हमेशा ये, हमेशा कोई ना कोई पूछता ही रहता है कि बॉस ये फेसबुक से पैसा कमाने के क्या तरीके हैं, घर बैठे बैठे फेसबुक से पैसा कमाने के क्या तरीके हैं, हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक, हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक ग्रुप, फेसबुक ऐप, जो भी वॉट एवर। तो आज दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक से एक्चुअली में आप पैसा कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, और कमा सकते हो तो कितने तरीकों से कमा सकते हो, कितने सारे वेज हैं फेसबुक से पैसे कमाने के, क्योंकि ये बिल्कुल लेजिट वे है और ये कोई कंपनी नहीं है कि आप जाके वहाँ काम करोगे और वो आपको लात मार के निकाल देगी और आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल एक आपका ही बिजनेस है जो मैं वे आपको बताने वाला हूँ फेसबुक से पैसे कमाने के। अगर आप चाहते हो कि आप फेसबुक से ढेर सारा पैसा कमाओ तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हाँ, मैं बोलूंगा कि हाँ, फेसबुक से आप बहुत पैसा कमा सकते हो और अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, और इसके जो चार प्रूवन तरीके हैं, प्रूवन मेथड है जिससे लोग पैसा बनाते हैं, वो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है गाइज, वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या है? तो गाइज, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपके पास या तो पेज होना चाहिए, या तो आपकी टीआरपी बहुत ज्यादा होनी चाहिए फेसबुक में, या तो आपके पास ग्रुप होना चाहिए। ये तीन चीज होना चाहिए, जिसमें से एक भी रहा तो आपको मिलेगा। अब कैसे मिलता है वो भी मैं बता दूं। ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जहां से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आपका जो पेज है वो 5000 लाइक से ज्यादा होना चाहिए। हाँ गाइज, 5000 लाइक से ज्यादा होना चाहिए आपका कोई भी पेज, तो आप इजिली कोई भी किसी से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। दूसरा, ग्रुप, अगर आप ग्रुप में स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो तो आपके ग्रुप में नहीं भी तो 50000 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, और वो एक एक्टिव मेंबर होने चाहिए। कम से कम उसमें 1000 एक्टिव मेंबर होने चाहिए, जैसे कि डेली के 500-600 पोस्ट आपके ग्रुप में आए, तब जाके आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। और यही जो लिमिट्स हैं स्पॉन्सरशिप को लेने में आपको रोकती हैं, लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये पूरा माइंड का गेम है। अगर आप सोच लो ईजी है तो ईजी है, अगर सोचोगे हार्ड है तो हार्ड है। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, तो सेकेंड जो चीज है वो है सेलिंग। गाइज, सेलिंग सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू फंक्शन ऑन एफबी एंड सोशल मीडिया। तो दोस्तों हर कोई सेलिंग कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, और आज के समय में अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से एफबी एक ऐसा शॉप बन गया है जहाँ लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। हाँ गाइज, आप अगर देखोगे तो हर बंदा कुछ ना कुछ सेल कर ही रहा है, और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया आज के समय में जो सोशल ना होके एक सेलिंग स्टोर बन गया है। आप कोई भी चीजें सेल कर सकते हो, आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग, ये सब चीजें कर सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो हमारे चैनल पे कई सारी वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है सेलिंग, आप कुछ भी सेल करके फेसबुक से अर्न कर सकते हो, जिसमें आपकी हेल्प करेंगी वही तीन चीजें, पहला प्रोफाइल, दूसरा ग्रुप और तीसरा आपका पेज। और ग्रुप और पेज बनाने की कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये दूसरा तरीका है। और गाइस, तीसरा तरीका अगर बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बोलूंगा, आपको करना पड़ेगा ध्यान कि आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी इस वीडियो को लाइक, और करना पड़ेगा नीचे एक कमेंट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ मैं लेके आते रहूँ। और अगर आप नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिलते रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या आप पॉइंट है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, तो उसको बताने से पहले मैं बोलूंगा कि दोस्तों अगर आप चाहो तो फेसबुक से लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपके एक्शंस पे, आपके वैल्यू पे, कि आप वहां जाके कैसा कंटेंट पुट करते हो। कंटेंट का मतलब सिर्फ वीडियो कंटेंट नहीं होता, कंटेंट का मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं होता, कंटेंट का मतलब आप कैसे कोट्स लिखते हो, कैसे मीनिंगफुल चीज़ें लोगों को तक पहुंचाते हो, आप किस विषय में लिखते हो, आप शायरी करते हो, आप जोक्स करते हो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखते हो, डिपेंड ऑन यू। बस आपको अपने लेवल से बढ़ के कंटेंट देना होगा, और जब आप ये चीज़ें करने लगोगे तो आप कोई भी चीज़ इजिली सेल कर सकते हो। और मैं जो हमेशा बोलता हूँ वो आज भी बोलूँगा, डिपेंड ऑन यू, एक्शन लोगे तो मनी मिलेगी। तो थर्ड जो चीज़ है गाइस, उस पर बात कर लेते हैं। थर्ड है ग्रुप सेलिंग। गाइस, ग्रुप सेलिंग और पेज सेलिंग का बिजनेस बहुत ही तगड़ा है फेसबुक में। अगर आप चाहो तो इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेते हो। इसमें करते क्या है लोग, इसमें क्या करते हैं लोग, बहुत सारे ग्रुप्स बना के छोड़ देते हैं, बहुत अलग अलग ग्रुप्स। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनीज है वो ऐसा करती हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स बना के छोड़ देती हैं, और फिर उस ग्रुप में जब वो बढ़ जाता है तो किसी को ज़रूरत रहती है कि मुझे इस तरह का ग्रुप चाहिए। मतलब समझ लो, मैं मुझे कपड़े बेचने हैं तो मुझे बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले ग्रुप चाहिए, तो मैं उनके पास जाऊँगा और उनको बोलूँगा प्लीज़ मुझे ये ग्रुप दे दीजिए, आपका
पास क्या पैसा है वो मुझसे ले लीजिए, तो बस यही चीज होती है, मैं उनको पैसा दूंगा और वो मुझे ग्रुप हैंड ओवर कर देंगे, मुझे उसका एडमिन बना देंगे और वो ग्रुप छोड़ देंगे। तो ऐसे करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, ये तीसरा तरीका। और चौथा तरीका, लास्ट तरीका, और इसके अलावा कोई भी ऐसे तरीके नहीं है जिसे आप फेसबुक से अर्न कर सकते हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको इससे अच्छे तरीके कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, और ये मेरा 100% गारंटी है आपको। तो चौथा जो तरीका है वो है शॉर्ट आउट्स। यस गाइस, शॉर्ट आउट्स का बिजनेस बहुत ही तगड़ा है, और इस समय सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट आउट का बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है इंस्टाग्राम पे। लेकिन हम बात करें फेसबुक की, फेसबुक में भी कमी नहीं है। आप सोच रहे हो कि फेसबुक में अभी ये बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन अभी भी ये फेसबुक में बहुत ज़्यादा टॉप पे चलता है। और शॉर्ट आउट कैसे कैसे आप दे सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ब्लॉगर्स को शॉर्ट आउट दे सकते हो, उनके ब्लॉग का लिंक अपने फेसबुक पे आप शेयर करके उनको शॉर्ट आउट दे सकते हो। जो अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं आप उनको शॉर्ट आउट दे सकते हो, जो अच्छे पब्लिक फिगर लोग आ रहे हैं जो अपने पेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने फैन फॉलोइंग को बढ़ाना चाहते हैं, आप उनको शॉर्ट आउट कर सकते हो। और आप जो नई कंपनीज लॉन्च हो रही हैं आप उनको शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ग्रुप है तो आप ग्रुप में जो होता होगा देखना, बहुत सारे ग्रुप में ऊपर एक पिन पोस्ट रहता है जो पिन रहता है, मतलब वो वहीं पर स्टक रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, तो ऐसे करके वहां शॉर्ट आउट दे सकते हो। मतलब शॉर्ट आउट का बिजनेस बहुत ही ज्यादा डीप है और हर चीज में आप शॉर्ट आउट दे सकते हो। ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो शॉर्ट आउट से बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और गाइस मैं आपको गारंटी देता हूं ये चार तरीके के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जहां से आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो, और ये पूरी गारंटी और पूरी शिद्दत के साथ बोलता हूँ। अगर आप इसमें दिमाग लगा के काम करोगे तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो। अब मैंने चार चीजें आपको बता दी हैं, तो आपको सिर्फ ये वीडियो देख के अब रह नहीं जाना है, आपको जाना है गूगल पे, वहाँ सर्च करना स्टार्ट करना है आप कैसे कैसे इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हो। गाइज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक नॉलेज दे सकूँ, एक बेस दे सकूँ, और उसके बाद आप जाके गूगल करके और उसमें डीप स्टडी करो। क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, क्वेश्चन है तो मुझे अभी पेज पे पूछो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की, और मैं सबकी हेल्प भी करता हूँ। सो प्लीज़ गाइज अगर आप चाहते हो ऑनलाइन से अर्न करना, ऑनलाइन से बहुत सारे पैसे कमाना, सो ये मौका आपके लिए है। Go and earn lot of money. See you in next video. Bye bye. Jai Hind.